Hello everyone, today I am going to teach you about some methods which are related to agricultural practices. Dear student, आज हम पार्ट फोर के अंतर्गत क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कुछ एक मेथड्स को देखेंगे जो प्रायः हमारे गांव देहात के क्षेत्रों में एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में संलग्न रहते हैं वो कुछ एक मेथड्स को अपनाते हैं फसलों की तैयारी करने के लिए। आज हम उन्हें मेथड्स को देखेंगे जिसके अंतर्गत हम हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग और फिर उसके बाद जो है सो तैयार अन्न को हम कैसे ग्रेनरीज या सिलोज में स्टॉक करेंगे, स्टोरेज करेंगे, इन सभी मेथड्स को जानेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि फसलें जब आपका पक करके तैयार हो जाती है तब हमारे यहाँ के किसान कौन से एक्टिविटीज या कौन से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को अपनाते हैं। तो वो सबसे पहला है मेरा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जिसे हम हिंदी में फसलों की कटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फसलों की कटाई। फसलों की कटाई देखेंगे ये कौन सा मेथड है जिसको प्रायः हर एक किसान जब उनके खेतों में फसलें पककर के तैयार हो जाती है तब कौन कौन से क्रियाकलाप वो अपनाते हैं। तो अब इसको देखना है हार्वेस्टिंग कहते किसको है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द मैच्योर्ड क्रॉप्स by the farmers is called harvesting, is called harvesting। फसलों की कटाई से क्या समझते हैं? What do you mean by harvesting? The process of cutting and gathering। फसलों को खेतों में काटना और gathering जमा करना उन उस तरह के फसलों को जो matured होते हैं कंप्लीटली पक करके क्या हो जाते हैं तैयार हो जाते हैं उस तरह की फसलों को काट करके और फिर खलिहान में जमा कर देना ही क्या कहलाता है हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब जब फसलें हमारी कट करके खलिहान में या ग्रेनरीज में आ गई तो फिर उसके बाद किसान क्या करते हैं तो उसका दूसरा जो प्रोसेस है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग थ्रेशिंग का मतलब होता है गहाई। ये निहायत ही जरूरी है अदरवाइज हम ग्रेन्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसके चाप से। तो ये कौन सा प्रोसेस है? तो डियर स्टूडेंट ये थ्रेशिंग हमारे यहाँ दो तरह से किया जाता है, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा जो है सो विथ टेक्निक्स। आजकल जो हम मॉडर्नाइज एज से सफर कर रहे हैं तो बहुत सारे टेक्निक्स हमारे पास में मौजूद है, बहुत सारे फसलों की कटाई के लिए भी कंबाइन हार्वेस्टर मौजूद है, फिर थ्रेशिंग करने के लिए भी बहुत सारे थ्रेशर मौजूद है। लेकिन प्राचीन काल में, पुराने जमाने में थ्रेशिंग का काम जो है बीटिंग आउट किया जाता था अन्न को चाप से, तो या तो बुलॉक के सहारे, बैलों के सहारे किया जाता था जिसको हम दौनी कहते हैं, जिसमें सर्कुलर मोड में बैलों को घुमाया जाता है और उससे जो है सो अन्न को चाप से क्या किया जाता है अलग किया जाता है। एक और भी दूसरा मेथड्स है जिसमें छड़ी से पीटा जाता है, एक एक हार्ड स्टिक रहेगा उससे उन फसलों को पीटा जाता है और उस पीटने की प्रक्रिया में भी ग्रेन्स जो है तो उसके चाप से क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। तो अब देखेंगे जो थ्रेशिंग एक्चुअली में होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द एडिबल ग्रेन्स फ्रॉम देयर चाप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इट इज डन आइदर मैनुअली और बाय बुलॉक्स, या तो
ये बैलों के सहारे किया जाता है या फिर मैनुअली किया जाता है, जिसमें थ्रेसर मशीन का उपयोग किया जाता है, उसमें दो चार व्यक्ति शामिल होते हैं और फिर इस तरह से ग्रेन्स को उसके चाप से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जब किसान पकी हुई फसलों को काट करके खलिहान ले आया, फिर उसको थ्रेशिंग के द्वारा द्वारा जो है सो बीटिंग आउट किया, अलग किया, सेपरेट किया अन्न को उसके चाप से, तब इसके बाद का जो मेथड होता है वो होता है विनोइंग या ओसाना, जिसमें महीन हस्क को जो है सो उसके ग्रेन से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो हम देखेंगे जो ये विनोइंग क्या होता है। विनोइंग, विनोइंग जिसको हम हिंदी में ओसाना कहते हैं, क्या कहते हैं, ओसाना, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम देयर चाप। कॉल्ड विनोइंग। ओसाना एक तरह की क्रिया है जिसको सभी किसान करते हैं अन्न को उसके चाप या डटकी से अलग करने के लिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं, हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं फूड को। क्या मतलब हुआ क्लीनिंग करना, बहुत सारे मिक्सचर्स उसमें मिले हुए रहते हैं, क्योंकि खेत खलियान से वो फसलें तैयार होकर के आती है, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां मौजूद रहती है। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही किसान इस मेथड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब ओसाना की क्रिया संपन्न हो जाती है, किसान फसलों को तैयार कर लेता है, तब क्या करना चाहिए। इन दैट केस हर एक किसान स्टोरेज प्रोसेस को अपनाता है, कैसे फसलों को, कैसे तैयार फसलों को स्टोर करके रखा जाए। तो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टोरेज को देखेंगे, जिसको हम भंडारण कहते हैं, स्टोरेज भंडारण। बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स इन द ग्रेनरीज और सिलोज, दे मस्ट बी ड्राइड इन द सन टू प्रिवेंट एक्सपेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स इन द ग्रेनरीज। सभी किसान जब विनोइंग की क्रिया हो जाती है, ओसाने की क्रिया हो जाती है, तब क्या करते हैं, तो बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स इन द ग्रेनरीज और सिलोज, दे मस्ट बी ड्राइड इन द सन टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब फसलें फसलें तैयार है, सारा उसकी सारी उसकी अशुद्धियां दूर हो चुकी है, तो फिर किसान क्या करेंगे, तो उसको सबसे पहले तेज धूप में, कड़ी धूप में उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे, ताकि उसका जितना नमी हो क्या हो जाए, ड्राइड आउट हो जाए, सूख करके हट जाए, ताकि ताकि उसमें किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रभाव ना रह सके। डियर स्टूडेंट, इसके लिए ये आजकल का जो उपयुक्त टेक्निक है, पहले के जमाने में जो ग्रेनरीज यूज किए जाते थे, उसमें प्राय विभिन्स ये सब कुछ ऑर्गेनिजम्स उस अन्न को जो है सो खाना क्या कर देते थे, शुरू कर देते थे।
तो इसलिए जरूरी है कि हम टाइम पर उसको क्या करें, ड्राइड करें सूर्य के धूप में, और साथ ही साथ उसके लिए एक अच्छा ग्रेनरीज चाहिए जो वेल इंस्पेक्टेड हो, वेल फ्यूमिगेटेड हो, उसका टेम्परेचर जो है हमेशा जो है सो मिनिमाइज्ड करता रहे। ये सब कुछ एक फीचर्स है जिसके चलते स्टोरेज, और वो भी स्टोरेज वहां करना है जहां पर कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस फसलों को क्या कर सके, हम बचा सके। तो देखते हैं किस तरह के कंटेनर का हम उपयोग करें ताकि हम बहुत अपने फसलों को इस तरह के जीवों से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो देखेंगे जो ग्रेन सिलोज क्या होते हैं। ग्रेन सिलोज जिसको हिंदी में हम धान्यागार कहते हैं, धान्यागार, ग्रेन सिलोज, दिस इज अ स्पेशल, दिस इज अ स्पेशल डिजाइंड कंटेनर व्हिच स्टॉक्स डिफरेंट ग्रेन्स एट डिफरेंट लेवल्स। ग्रेन सिलोज एक्चुअली में एक स्पेशल डिजाइन्ड कंटेनर होता है व्हिच स्टॉक्स, जो अपने आप में भंडारण करता है डिफरेंट ग्रेन्स एट डिफरेंट लेवल्स, जो अलग अलग तरह के तैयार फसलों को, अन्न को एक ही सिलोज के अंदर डिफरेंट लेवल्स पर उसको क्या किया जाता है, स्टॉक किया जाता है। दिस कंटेनर इज डिजाइंड इन सच अ वे सो दैट दे आर वेल इंस्पेक्टेड फ्यूमिगेटेड एंड दे हैव कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अनफेवरेबल कंडीशन। दिस कंटेनर इज डिजाइंड इन सच अ वे सो दैट दे आर वेल इंस्पेक्टेड फ्यूमिगेटेड एंड दे हैव कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये सिलोज इस तरह से डिजाइंड किए हुए रहते हैं कि कोई कैसा भी प्रतिकूल मौसम हो जाए, कैसा भी प्रतिकूल जलवायु रहे, हमारा अगर धन धान्य अन्न अगर इस तरह के सिलोज में बंद है तो फिर किसी तरह की परेशानी की चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये वेल इंस्पेक्टेड, इसको बार बार हम इतने बड़े धान्यागार होते हुए भी टाइम टू टाइम इसको वेल इंस्पेक्टेड किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, वेल फ्यूमिगेटेड, इसमें धूम्र निरोध होता है, इसमें किसी तरह के वातावरणीय धुआं या किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड दे हैव कांस्टेंट टेम्परेचर, और उस सिलोज का जो टेम्परेचर होता है इन ईच एंड एवरी कंडीशन इट विल बी कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट माना जाता है, चाहे आपका मौसम कैसा भी रहे, प्रतिकूल रहे या अनुकूल रहे, इस सिलोज पर किसी तरह के
किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। डियर स्टूडेंट, ये कुछ एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स थे जिसके अंतर्गत आपने बहुत सारे पॉइंट्स को देखा, कैसे हम एग्रीकल्चर को तैयार करेंगे, फिर कैसे उसको विनोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग के द्वारा तैयार करके घर लाएंगे, फिर उसको स्टोरेज किस तरह से करना है। इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए आज हमारा यहीं पर चैप्टर समाप्त हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर के प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।